तो हमारे चाय मेडिसिन डिटेल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्लेंजेंट टेमरिंजी टैबलेट के बारे में। हम जानेंगे फ्लेंजेंट टेमरिंजी टैबलेट का किस चीज़ में इसका यूज़ होता है, कैसे काम करता है, कैसे साइड इफेक्ट है, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। फ्लेंजेंट टेमरिंजी टैबलेट को बनाया है मनीष फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो काफ़ी अच्छी कंपनी है। यह टैबलेट शेड्यूल एच ड्रग है। यह टैबलेट को बिना डॉक्टर के सलाह के ना लें। इस टैबलेट का एक ही कंटेंट है सेरेटियोपेप्टेज 10 mg। इसके 15 गोली का पैकेट आता है जिसकी कीमत है 170 रुपये। इसकी गोली काफ़ी छोटी होती है, आप आसानी से इसे निगल सकते हो। सेरेटियोपेप्टेज एक एंजाइम है जो हमारे शरीर में होने वाले दर्द और सूजन में को कम करने का काम करता है। दर्द सूजन जैसे ऑपरेशन के बाद होने वाले घाव में सूजन में इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। माइग्रेन में होने वाले दर्द, गले में खराश की वजह से होने वाले दर्द, सर में दर्द, हड्डियों में होने वाले दर्द, जॉइंट में होने वाले दर्द, माइग्रेन की वजह से होने वाले दर्द में इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। पीठ के दर्द में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, माइग्रेन में होने वाले दर्द, रूमेटो आर्थराइटिस में होने वाले दर्द, गले की खराश में होने वाले दर्द, सर्जरी के बाद की सूजन में होने वाले ब्लड क्लॉट के साथ नसों में होने वाले दर्द में, कान के इन्फेक्शन में इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। हार्ट के मरीज को भी इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ब्लड के नसों में होने वाले क्लॉट को यह कम करने का काम करता है। कैंसर में होने वाले गांठ के दर्द को में भी इस टैबलेट का यूज़ कर, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर में भी इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। इस टैबलेट को कुछ डॉक्टर एंटीबायोटिक के साथ भी सजेस्ट करते हैं ताकि आपकी सूजन बड़ी आसानी से कम हो जाए। अगर इसके साथ आपको एसिडिटी या गैस बनने का कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके साथ एक प्रोटोन पंप इनिबेटर टैबलेट ले सकते हैं, जैसे ओमेप्राजोल हो गया, रेंटेक हो गया, एसीलॉक हो गया, जैसे टैबलेट ले सकते हैं। इससे आपको एसिडिटी बनने की शिकायत नहीं होगी। सेरेटियोपेप्टाइड एक एंजाइम है। यह सूजन के आसपास होने वाले अननेसेसरी प्रोटीन चेन को ब्रेक करता है और म्यूकस और सूजन को कम करने का काम करता है। यह ब्रेन के उस केमिकल मैसेंजर को रोकने का काम करता है जो बताता है कि सूजन और दर्द है। इस टैबलेट को बिना डॉक्टर के सलाह के ना लें क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे कि गला सूखना, वोमिटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस करना, ऐसे कुछ इसके साइड इफेक्ट है। लेकिन ये समय के साथ साइड इफेक्ट खत्म हो जाते हैं। अगर इसमें से आपका कुछ भी साइड इफेक्ट आप रह जाता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इस टैबलेट को पानी के साथ लेना है, चूसना चबाना नहीं है। दिन में 2 से 3 टैबलेट ले सकते हैं, जैसे आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है उस टैबलेट को उस हिसाब से लें। इस टैबलेट का डोज ज़्यादा ना लें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।